आमतौर पे ये चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैंने ज़रा जल्दी कवर करवा दिया था फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। तो आई होप कि ये बॉक्सेस का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस बॉक्सेस के चैप्टर में जो बातें जिक्र हुई ना वो ऑलरेडी फ्लैक्स बॉक्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं थोड़ी सी ना। तो इस चैप्टर को ज़रा फिर ब्रीफली हम लेके चलेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला यार कंट्रोलिंग साइज ऑफ द बॉक्सेस, बॉक्स का साइज़ कैसे हम कंट्रोल करें CSS के ज़रिए, वो यहाँ पे बात हुई है। अच्छा, बॉक्स मॉडल का जिक्र हुआ है, मार्जिन और पैडिंग का जिक्र हुआ है, ये सब हम पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेइंग एंड हाइडिंग बॉक्सेस, CSS के ज़रिए हम किसी बॉक्स की विजिबिलिटी को हम हिडन भी कर सकते हैं, तो विजिबिलिटी हिडन यहाँ पे ये बताएगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन ऑन CSS, यू सॉ हाउ CSS ट्रीट ईच HTML एलिमेंट एज इफ इट लिव्स इन इट्स ओन बॉक्स। कह रहा है ये CSS की जब बात शुरू हुई थी ना, CSS का जो 10 नंबर चैप्टर पे शुरू हुआ था CSS, कह रहा है वहाँ पे हमने एक बात देखी थी कि जितने भी HTML के एलिमेंट होते हैं उसको CSS में ऐसे देखा जाता है कि वो एक बॉक्स है, ठीक है। हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था यहाँ पे आके कि जी मैं किसी भी मैं सर्च कर लेता हूँ कार यहाँ पे, तो ये google.com एक वेबसाइट है ऑब्वियसली, इसकी मैं इंस्पेक्शन जब करता हूँ तो ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट एन एलिमेंट का बटन यहाँ पे क्लिक किया इस जगह पे, ये ब्लू हो गया क्लिक करने की वजह से। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखेंगे एक इमेज भी बॉक्स है, ये जो हेडिंग लगी हुई है टॉप स्टोरीज ये भी एक बॉक्स है, ये आइकन लगा हुआ है ये भी एक बॉक्स है, गूगल लिखा हुआ है ये भी एक बॉक्स है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ अ बॉक्स फॉर CSS, एवरीथिंग इज़ अ बॉक्स। अब वो बॉक्स गोल हो सकता है, चकोर हो सकता है, लेकिन होगा वो बॉक्स ही, ठीक है। अच्छा, गोल तो हो नहीं सकता वैसे, कोई भी बॉक्स गोल नहीं हो सकता इसके अंदर, बस रहेगा सारा चकोर ही, वो दिख रहा हमें गोल है लेकिन वो एक्चुअल में चकोर ही है। मिसाल के तौर पे अब जैसे देखेंगे जो सेटिंग का बटन है, ये हमें तो गोल दिख रहा है ना, लेकिन अब जब हाथ रखेंगे तो ये चकोर बॉक्स है। ये जो प्रोफाइल फोटो है ये मुझे गोल दिख रही है ना, लेकिन जब मैं हाथ रखूँगा तो देखें असल में ये चकोर है, सही है। तो टू डायमेंशन, हम असल में जो स्पेस है हमारा LCD स्क्रीन पे जो हमारा या किसी भी डिस्प्ले के ऊपर जो हमारे पास स्पेस होता है वो होता है टू डायमेंशनल, ठीक है। यानी कि उसमें एक x की वैल्यू होती है, एक y की वैल्यू, या उसको आप आसान जुबान में कह लें कि एक चौड़ाई होती है, एक लंबाई होती है, ठीक है। हम जिस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं ये टू डायमेंशन नहीं है, ये है 3 डायमेंशन, राइट। क्योंकि हमारे पास चीज़ों की लंबाई और चौड़ाई के अलावा उसकी डेप्थ भी होती है, तीसरा डायमेंशन भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये डेस्क ये टेबल जैसे है तो इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और एक ऐसे गहराई भी है, उसको उर्दू में गहराई बोलते हैं या इंग्लिश में डेप्थ बोलते हैं। तो वो 3 डायमेंशन हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, हम खुद भी 3 डायमेंशन बीइंग है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 ही डायमेंशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कार दिख रही है स्क्रीन पर, तो आप स्क्रीन के पीछे पलट के देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, स्क्रीन के ऊपर देखते हुए आपको लगेगा कि 3D है वो, उसके तीनों वीडियो में आपको लगेगा बाकायदा जहाज़ उड़ रहा है या कुछ ट्रक ऐसे गुजरा है पास से, ट्रक के पीछे क्या था वो सब दिख रहा होगा, लेकिन वो जस्ट एक इल्यूजन होता है, ठीक है। वो जस्ट एक इल्यूजन होता है, असल बात ये है कि आपका जो डिस्प्ले है वो 2 डायमेंशन होता है। इसी तरह हमारे पास कोई पेपर पे अगर कोई फ़ोटो बनी हुई है, तो पेपर पे जो बनी हुई फ़ोटो है वो 2 डायमेंशन फ़ोटो है। यही वजह है कि अगर पेपर पे फ़ोटो बनी हुई है ना, उसमें आपको एक सेब रखा हुआ नज़र आ रहा है फ़ोटो में, तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर पलटेंगे तो सेब पीछे भी होगा, वो एक ही एक बारीक सी लेयर होती है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, उसकी कोई डेप्थ नहीं होती, ठीक है। तीसरा डायमेंशन वापस से माइनस होता है। तो ये 2 डायमेंशन जो चीज़ है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमेशा जो बॉक्स होगा वो चकोर ही होगा, ठीक है। उसकी या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी, विजिबल ना हो सकता है वो, मतलब जैसे ये गोल विजिबल हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये चकोर ही है। तो आ जाते हैं वापस, हम बुक कहाँ गई हमारी। यू कैन सेट सेवरल प्रॉपर्टी दैट अफेक्ट अपेयरेंस ऑफ दीज बॉक्सेस इन दिस चैप्टर, वी विल सी हाउ। तो अब ये बता रहा है कि जी वो शुरू में हमने डिस्कस कर लिया था कि हर चीज़ एक बॉक्स होगी, उन बॉक्सेस के ऊपर अब स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करनी है वो यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, CSS के अंदर जो मेजरली इसने बात की है ना, एक तो की है बात टेक्स्ट की, अभी तक जो हमने डिस्कस कर चुके हैं वो उसकी बात हो रही है। एक तो हम टेक्स्ट वाली चीज़ों की हमने बात की है कि जी टेक्स्ट पे क्या क्या स्टाइलिंग लग सकती है और वो कैसे कैसे लग सकती है, जिसमें हमने फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का स्केल,
और रिलेटिव स्केल और पता नहीं जो सारा कुछ हमने देखा है पीछे भी कि जी वो अंडरलाइन भी हो जाता है, इटैलिक भी हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, ये सारा टेक्स्ट वाला हो गया। अब ये बात कर रहा है पूरे पूरे बॉक्सेस की, लेकिन पूरे पूरे बॉक्सेस का मतलब ये नहीं है कि वो पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होगा। एक तो पैराग्राफ के अंदर मौजूद टेक्स्ट है, लेकिन पैराग्राफ इटसेल्फ एक बॉक्स भी तो है, तो उस बॉक्स की चौड़ाई है, लंबाई है, उसका बॉर्डर है, उस पर मार्जिन और पैडिंग है, तो ये सारा मुतालिक है बॉक्स से, इसका ताल्लुक है इन सब चीज़ों का ना। अच्छा, अच्छा अब इसमें ये क्या क्या चीज़ है बॉक्स की जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रोलिंग द डायमेंशन ऑफ योर बॉक्स, अगेन डायमेंशन, क्योंकि दो डायमेंशन है हमारे पास, एक लंबाई और एक चौड़ाई है, तो यानी ये विर्थ और हाइट की असल में बात कर रहा है, ठीक है। क्रिएट बॉर्डर अराउंड बॉक्सेस, सेट मार्जिन एंड पैडिंग फॉर द बॉक्सेस। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग का फ़र्क अच्छे से समझ लें इस पॉइंट पे सब लोग ना। मार्जिन जो होता है ना वो होता है बॉक्स से बाहर, अभी बल्कि वो बॉक्स मॉडल में ये चीज़ समझते हैं, बॉक्स मॉडल में ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। बॉक्स मॉडल कहाँ चले गया, हाँ यहाँ पर हम वापस चले जाएंगे, हम ज़रा आगे आ गए। मार्जिन और पैडिंग का जो फ़र्क है ना वो बड़े अच्छे से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, इसमें अगर कन्फ्यूजन होगी ना तो बहुत गड़बड़ होता है बाद में। आप मार्जिन लगाते हैं लगता नहीं है, पैडिंग लगाते हैं वो समटाइम नहीं लगता है, एक दूसरे में मिक्स हो रहा होता है। मार्जिन हमेशा बाहर की तरफ होता है, इसमें मैं अक्सर मिसाल देता हूँ फ्रिज के डब्बे की। जो फ्रिज का डब्बा होता है ना आपका, वो जो ब्राउन कलर का कागज़ का एक बॉक्स होता है उसके अंदर लगा होता है पैड, सफ़ेद कलर का थर्मोपोल लगा होता है, ठीक है। होता तो वो थर्मोपोल है लेकिन असल में वो क्या होती है, पैडिंग होती है, सही है। उसको इसलिए लगाया जाता है कि वो पैडिंग का काम करे, एक फॉर्म का काम करे, जो एक्चुअल कंटेंट है ना बॉक्स का उसके और पैकेजिंग के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, तो ये पैडिंग अंदर वाली साइड है, हमेशा ये जो वॉल है ना इसके अंदर जो होगी वो पैडिंग होगी और वॉल के बाहर जो होगी वो मार्जिन होगा। अच्छा, वॉल के बाहर मार्जिन कैसे होगा, मिसाल के तौर पर मैंने दो डब्बे रखने हैं साथ साथ, तो एक तो ये होगा मैंने बिल्कुल चपका के रख दिया, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है मैंने इसमें, ठीक है, यानी कि मुझे तीन तीन चार चार इंच के फासले पे रखना है एक बॉक्स को, बिल्कुल चपकाना नहीं है, तो दैट वुड बी कॉल्ड मार्जिन। लेकिन फ्रिज के डब्बे के अंदर मार्जिन वाला कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं, ठीक है, उसमें पैडिंग समझ आ गया, मार्जिन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अच्छा, तो जैसे मार्जिन कहते हैं ना, कोई चीज़ आप सेल कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं इसमें मेरा मार्जिन कितना होगा। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आपने 100 रुपये की ख़रीदी है, आपसे वो 120 रुपये की बिक जाती है, तो वो 20 रुपये आपका मार्जिन है, ठीक है। या आप कहते हैं कि यार मैंने फ़लाँ चीज़ 100 रुपये में बेचनी है तो मैं अपना मार्जिन रख के उसको ख़रीदूँगा ना, जब बाय कर रहा हूँ मैं तो अपना मार्जिन रख के बाय करूँगा। अगर मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ बेचनी है, कोई चीज़ है उस पर लिखा हुआ है 100 रुपये की बिकती है, तो मैं तो 100 में नहीं ख़रीदूँगा ना, अगर मैं एज़ अ शॉपकीपर मैं अपना मार्जिन रख के ख़रीदूँगा, तो हमेशा मेरी एक्चुअल कॉस्ट से बाहर होता है मार्जिन, सही है। तो वो अब मार्जिन को कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मकसद हर जगह एक ही होता है कि एक्चुअल कंटेंट से बाहर जो है ना कितना फासला रखना है मैंने। अगर तो मैंने पूरे 100 रुपये का ख़रीद लिया तो मैं बेचूँगा कैसे फिर, ठीक है, पूरे 100 का बेच दूँगा तो फिर बचत कुछ भी नहीं होगी, तो मुझे कुछ ना कुछ मार्जिन बाहर रखना पड़ेगा जिसको वो रख के मैं बेच सकूँ। तो ये मार्जिन समझ आ गया, ये पैडिंग समझ आ गया। अब है बॉर्डर, जो फ्रिज के डब्बे की वाली मिसाल पे हम दोबारा आ जाते हैं। जो फ्रिज के डब्बे की जो वॉल है ना, एक्चुअली जो ब्राउन कलर का जो गत्ते का डब्बा होता है, तो वो जो ब्राउन कलर का गत्ता है ना वो एक्चुअली क्या है, मेरा बॉर्डर है वो, ठीक है। बॉर्डर किसको कहते हैं, हम यहाँ पे इन्होंने जो बात लिखी है कि एवरी बॉक्स हैज़ अ बॉर्डर, ठीक है, और बॉक्स बॉर्डर के बाहर जो है वो मार्जिन होगा, बॉर्डर के अंदर जो है पैडिंग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉक्स के ऊपर बॉर्डर मौजूद ना हो, बॉर्डर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, सही है। हाँ, बॉर्डर को हम 0 पिक्सल ज़रूर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कैसे, दोबारा फ्रिज के डब्बे की मिसाल लेते हैं कि अगर आप इमेजिन करें कि फ्रिज होता और फ्रिज के ऊपर वो हमने थर्मोपोल लगा के ना उसको चिमकी लपेट देते, उस पर चिमकी कितनी बारीक होती है, दूर से लगता कि यार है ही नहीं कुछ, ऐसा लगता सिर्फ डायरेक्ट थर्मोपोल खुद ही चिपका हुआ है उसको। तो हमने इस केस में क्या कर दिया, बॉर्डर को 0 पिक्सल कर दिया, बॉर्डर का जो साइज़ है वो 0 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम अभी जो हम ये बना रहे थे थोड़ी देर पहले, कहाँ गया वो, अब देखिए ये एक एलिमेंट है ना,
इस पे आपको बॉर्डर कोई नज़र तो नहीं आ रहा, इस पे बॉर्डर मौजूद है, ठीक है, लेकिन उसका साइज़ क्या है, 0 पिक्सल है, लेकिन वो बॉर्डर मौजूद है। अच्छा, इस पे मैंने क्या किया है, मैंने 3 काम किए हैं इसके ऊपर। नंबर 1 काम मैंने किया है कि बॉर्डर का साइज़ बढ़ाया है, ठीक है। अगर मैं अपना कोड दिखाऊँ ये वाले का, मैंने इसको सिंपल कर देते हैं ज़रा, ये जो लिखा हुआ है ना, मैं कह देता हूँ भाई पैराग्राफ बस, तो तीनों पैराग्राफ पे ही अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जी बॉर्डर 1 पिक्सल, पहले तो मैंने साइज़ बड़ा किया बॉर्डर का, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 पिक्सल होता है। उसके बाद मैंने स्टाइल बताया, मैंने कहा सॉलिड, और मैंने फिर उसका कलर बताया कि बॉर्डर का कलर क्या करना है। अच्छा, अगर मैं ये स्टाइल हटा दूँ इसमें, पहले तो स्टाइल लगा के ज़रा देखे ना, ये दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, तीनों पर दिख गया। अगर मैं इस पर से ये स्टाइल हटा दूँ, ये जब भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, स्टाइल लगा हुआ मेरे पास और मैं इसका साइज़ बड़ा ना करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 पिक्सल होता है, जब भी मुझे ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना साइज़ ज़रा देख लेते हैं, 1 पिक्सल से कम है बाहर लिए, ये 1 पिक्सल से कम है। अच्छा, इसको मैं देखूँगा कैसे, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पर से मैं गया इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आया हूँ मैं, राइट, एलिमेंट्स के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर मुझे देखें 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर से मैं जाऊँगा, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं ज़रा सा बड़ा करूँगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेड, कंप्यूटेड पे मैं जाऊँगा, और कंप्यूटेड पे जाके क्या करूँगा, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और फिर एक्चुअल बॉक्स, ये पूरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसमें मुझे बॉर्डर कितने पिक्सल का दिख रहा है, 0.375। अब समहाउ इसने ना बाई डिफ़ॉल्ट साइज़ रखा हुआ है, हालाँकि बाई डिफ़ॉल्ट 0 होता है शायद, ठीक है, वेल अब वो 0 या जो भी हो, आपको जितने पे सेट करना हो आप उतने पे सेट कर देंगे, तो वो मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं 1 पिक्सल नहीं लगाता हूँ यहाँ पे, तो वो 0.375 करके उसने खुद ही साइज़ एक रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 0 पिक्सल हाथ से कर दूँ तो भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। अब आप नोट कीजिएगा कंप्यूटेड में क्या आ रहा होगा, कंप्यूटेड में बॉर्डर पे डैश लगा हुआ है, पैडिंग पे भी डैश लगा हुआ है, यानी कि बॉर्डर का कोई साइज़ नहीं है, पैडिंग का कोई साइज़ नहीं है। मार्जिन ऑन अदर एंड इस पे 16 पिक्सल है, ठीक है। अच्छा, जो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट होते हैं ना, उसके ऊपर मार्जिन होता है अच्छा खासा, ब्लॉक लेवल के एलिमेंट के ऊपर मार्जिन होता है। क्यों होता है कि जी, अब मिसाल के तौर पे मैंने हेडिंग लगाई, अब हेडिंग के बाद मैं पैराग्राफ लिखूंगा, तो ज़रा हेडिंग से फासला होकर है ना, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइलिंग लगी होती है पहले से ना, बहुत सारे HTML के एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। और वो क्यों लगी हुई होती है, वो इसलिए लगी होती है कि दैट एलिमेंट इज़ सपोज टू बी यूज लाइक दैट। जैसे पैराग्राफ है, हमने देखा ना पैराग्राफ में ब्लॉक एलिमेंट क्यों है, ब्लॉक एलिमेंट, वो ब्लॉक एलिमेंट इसलिए है कि इट इज़ सपोज टू बी ब्लॉक एलिमेंट। हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो वो शुरू से आखिर तक ही लिखते हैं पूरी लाइन में, ऐसा नहीं होता कि हम आधे पे पैराग्राफ लिखें आधे पे कुछ और लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग जब हम लगाते हैं तो आमतौर पे पेपर पे भी अगर हम हेडिंग लगाएं तो उस रो में कोई और बात नहीं लिखते हैं, तो इट इज़ सपोज टू बी लाइक दैट। तो इसलिए ये स्टाइलिंग इसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत पहले से लगी होती है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। जितनी भी पहले से लगी हुई स्टाइलिंग है किसी भी एलिमेंट पे, आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं। आप CSS में आके, जैसे मैंने देखो लिखा कि भाई बॉर्डर का साइज़ 0.375 था बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने आके कोई और साइज़ लिखा तो वो साइज़ हो गया, ठीक है, 0 लिखा 0 हो गया। मैंने कहा भाई 5 पिक्सल कर दो, तो 5 पिक्सल हो जाएगा साइज़ इसका, ठीक है। तो ये मैं बहुत आराम से इसको चेंज कर सकता हूँ कोई भी। अगर मिसाल के तौर पर इस पर मार्जिन लगा हुआ है ना 16 पिक्सल, अब मैं आके यहाँ पर बोलूँ कि भाई मार्जिन 0 पिक्सल, तो वो 0 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नतीजा क्या होगा, आपस में चपक गया ये चारों तीनों, ठीक है, आप देख रहे हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल, मार्जिन 0। तो इन तमाम चीज़ों को हम ओवरराइड कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। अच्छा, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे, बॉर्डर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, बॉर्डर का साइज़ 0 कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर हम इनविजिबल कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर बाय डिफ़ॉल्ट, अब पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, ब्लैक हटा के देखते हैं क्या है बाय डिफ़ॉल्ट। एक पे रेड आया, दूसरे पे क्या है, अच्छा बॉर्डर का जो कलर है वो टेक्स्ट का कलर ही है, जो टेक्स्ट का कलर है वही बॉर्डर का भी है। अगर इस वाले पे कोई टेक्स्ट, अभी मैं ऊपर वाली स्टाइलिंग भी इस पे कुछ लगी हुई है ना, इसको अगर मैं रोक दूँ, इन दोनों को रोक दिया मैंने, तो तीनों का बॉर्डर ब्लैक है। अच्छा, तो बाई डिफ़ॉल्ट बॉर्डर का कलर ब्लैक ही है, जो टेक्स्ट का कलर है वही बॉर्डर का कलर है, ठीक है। टेक्स्ट का कलर रेड था तो बॉर्डर भी रेड आ रहा था। अच्छा, अगर मैं सॉलिड हटा दूँ इस पे से, सॉलिड जो है ना लगाना पड़ेगा, उसके बगैर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी पिक्सल साइज़ पिक्सल में दिया हुआ था मैंने,
मैं जस्ट उस पर सॉलिड लिखूंगा तो भी बॉर्डर मुझे दिख जाएगा, ठीक है, सिर्फ सॉलिड लिखने पे भी बॉर्डर दिख जा रहा है मुझे। तो वेल, तीन चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे चेंज की थी, जो चेंज करके मैं प्रॉपरली बॉर्डर को दिखा पा रहा था। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि बॉर्डर ख़त्म नहीं हो सकता, बॉर्डर का साइज़ जीरो हो सकता है, बॉर्डर हमेशा कहाँ पे रहेगा, मार्जिन और पैडिंग के दरमियान में होगा, और वो एक्चुअल बॉक्स का जो है ना बॉर्डर होगा ना जो, वो उसको बॉर्डर कह रहे हैं, बाउंड्री होगी एक्चुअल मेरे बॉर्डर की। मार्जिन ऑन अदर एंड क्या होगा, कुछ एलिमेंट पे लगा हुआ होगा पहले से, कुछ सर्टेन मार्जिन, कुछ पे नहीं लगा हुआ होगा, मैं दोनों पे लगा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। पैडिंग क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर एलिमेंट्स पे पैडिंग कुछ भी नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगानी पड़ती है। अच्छा, अब ये तीनों मिला के ना बॉक्स का एक्चुअल साइज़ बनता है, ये तीनों को मिला के बॉक्स का एक्चुअल साइज़ बनता है। मिसाल के तौर पर आ जाते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे आके मैं क्या बोलता हूँ कि जी पैराग्राफ है ना जो मेरा, पैराग्राफ को मेरे कर दो विड्थ, कर दो इसकी 300 पिक्सल, और हाइट कर दो इसकी 300 पिक्सल, सही है, 300 पिक्सल का मैंने कर दिया इसको। अच्छा, अब ये 300 पिक्सल का नहीं है असल में, इस पर मैं जब जाके हाथ रखूँगा ना तो देखें कंप्यूटेड में ये मुझे तो बता रहा है कि ये एक्चुअल में 300 पिक्सल है, लेकिन इसका बॉर्डर भी इसमें इंक्लूड होगा। अच्छा, अभी बॉर्डर का साइज़ कुछ और आया है, 1.5 आया है आई थिंक, ये बॉक्स के साइज़ का कुछ ना कुछ परसेंटेज निकाल के उसका बॉर्डर लगाता है मे बी। वेल, तो ये 300 पिक्सल का ही हो गया। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको इनलाइन बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, मैं कुछ डेमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ उसके उसके लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनलाइन बना देता हूँ। मैंने कहा कि भाई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, जब हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम इनलाइन बनाते हैं ना तो हम उसको कोशिश करते हैं इनलाइन ब्लॉक लगाएं, ठीक है, यानी ब्लॉक लेवल को जब हम इनलाइन बना रहे होते हैं, अदरवाइज अगर हमने उसको पूरा इनलाइन कर दिया तो कुछ चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती हैं तो वो फिर मसला होता है वो। अच्छा, मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया, रिफ्रेश किया मैंने, ये तीनों एक लाइन में आ गए, सही है। अच्छा, अब इन तीनों का मैं एक पैरेंट बना देता हूँ, इन तीनों का एक अदद मैं पैरेंट बना देता हूँ, मैं कहता हूँ एक डिव, और इसको मैं क्लास देता हूँ पैरेंट। अच्छा, मैंने कहा कि यार पैरेंट जो है डॉट, पैरेंट जो है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाए, तीन बॉक्सेज है ना मेरे तो 900 पिक्सल हो जाए, ठीक है, मैंने कहा 900 पिक्सल ये इसकी विड्थ हो जाए, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ज़रा सा मैं ग्रे कलर का कर देता हूँ ताकि ये मुझे दिखता रहे कि ये कहाँ तक है, सही है, ज़रा हल्का लाइट सा इसको ग्रे कलर दे देता हूँ, ठीक है, 900 पिक्सल कर दिया मैंने। अच्छा, क्योंकि मैंने इसको इनलाइन कर दिया है तो ये पूरा का पूरा जो अपने पैरेंट के अंदर आ जाना चाहिए ना एक ही लाइन में, ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा है। 300 पिक्सल का ये बॉक्स है, 300 पिक्सल का ये बॉक्स है, अब यहाँ पे 300 पिक्सल बच ही नहीं रहे, कैसे नहीं बच रहे, ये वाला मसला बहुत आता है, ये मतलब बड़ा मसला आता है कि यार मैंने एक पैरेंट रखा है 900 पिक्सल का, उसमें तीन डब्बे बनाता हूँ 300 के और वो फिट नहीं आते, ठीक है। अब इसको कंप्यूटर से ज़रा चेक करते हैं, पैरेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया और पैरेंट के ऊपर क्लिक करके मैंने इसको देखा तो इसकी विड्थ जो है वो 900 पिक्सल ही है जो मैंने लगाई थी, ठीक है, मार्जिन पैडिंग वगैरह उस पर कुछ भी नहीं है, हाइट इसकी मैंने लिखी नहीं थी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको समझ आया अपने कंटेंट के ऊपर टाइट हो गया ना, इसने हाइट 670 पिक्सल अपनी हाइट पकड़ ली। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ, अब मैं छोटे डब्बों को चेक करता हूँ, ये मेरे छोटे डब्बे हैं, इन छोटे डब्बों का जो 300x300 पिक्सल ही साइज़ है इसका, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, जब मैंने ऐसे तीन डब्बे सजाए तो वो तीन डब्बे इसमें फिट नहीं आए अपने पैरेंट में, बताओ किसी को समझ आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट उसने मार्जिन भी रखना होता, किसने, छोटे बॉक्सेस, बड़े बॉक्स, छोटे बॉक्सेस, दोस्त कह रहे हैं कि छोटे बॉक्सेस पे कुछ ना कुछ मार्जिन लगा हुआ है, इसकी वजह से जो है ना वो नहीं आ रहा है उस बॉक्स के अंदर। अच्छा, लेकिन मार्जिन जो है वो टॉप और बॉटम पे लगा हुआ है सिर्फ, साइडों पे नहीं लगा हुआ, फिर भी साइड छोटी पड़ जा रही है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि बॉक्स का जो एक्चुअल साइज़ बनता है ना वो बॉर्डर को, मार्जिन को और पैडिंग को मिला के बनता है। नहीं, पेज को तो छोड़ देना, अभी मैंने अपना कंटेनर खुद का बनाया हुआ है ना।
तो आप नोट करें, मैंने इसको दिया है विर्थ हाइट 300 पिक्सल, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बॉर्डर कुछ ना कुछ लगा हुआ है। हमने देखा था वो डिफ़ॉल्ट में अगर हम ज़ीरो नहीं करते बॉर्डर का साइज़ तो वो कुछ ना कुछ बॉर्डर लगा देते हैं उस पर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका एक्चुअल विर्थ जो बन रहा है वो 301 पिक्सल बन रहा है या 302 पिक्सल बन रहा है, जितने भी एक दो पिक्सल का जो मार्जिन है उसके ऊपर। अगर मैं इसका तीनों चीज़ें मार्जिन, पैडिंग और जो बॉर्डर है, अगर मैं तीनों को ज़ीरो कर दूं तो फिर ये बॉक्स एग्जैक्टली 300 पिक्सल का हो जाएगा। अभी ये 302 या 303 पिक्सल का है। आके ज़रा कंप्यूटेड में इसको हम देखते हैं। ये मैंने छोटे डब्बे पे हाथ रखा, आप देखें इसका एक्चुअल बॉक्स 300 पिक्सल का है, लेकिन दोनों साइडों पे बॉर्डर है इसका 150 पिक्सल का है, ठीक है, तो 3 पिक्सल एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल इस बॉक्स की जो विड्थ है इस वक्त वो 303 पिक्सल है, 303 पिक्सल्स। और अगर हाँ, एक पिक्सल दाएं बाएं उसने बॉर्डर के तौर पे लिया, यानी बॉर्डर जो ये ब्लैक बना हुआ है ना, ये दिस इज 3 पिक्सल। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, बॉर्डर को ज़ीरो कर दूंगा, यहाँ से बॉर्डर 0 पिक्सल, अब ये आ जाएगा तीनों एक लाइन में, लेकिन बॉर्डर दिखना बंद हो गया। अच्छा, आया अभी भी नहीं है वैसे ये तीन। अच्छा, और क्या है भाई इसमें? नहीं, फ्लैक्स नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं, दोनों में गैप कोई भी नहीं था। वेल, अगर मैं पेरेंट हुआ ज़रा 1 पिक्सल बड़ा कर दूं तो नहीं यार, अभी भी नहीं हुआ। अब और कौन सी चीज़ है जो जगह ले रही है? वेल, पहले तो मैं ये करूँगा कि भाई मुझे बॉर्डर तो दिखाना है ना, तो बॉर्डर करूँगा मैं 1 पिक्सल। अच्छा, बॉर्डर 1 पिक्सल करने से मुझे ये पता चल गया कि लेफ्ट पे 1, राइट पे 1, और 300 पिक्सल का मेरा बॉक्स है, तो 302 पिक्सल हो गए ये, ठीक है। तो 302, 302 और 302, तीन डब्बे हैं ना मेरे, कितने हो गए ये, 906 पिक्सल हो गए। तो मैं बॉक्स को 906 पिक्सल कर दूंगा और बॉर्डर 1 पिक्सल का मैंने लगा दिया, सही है। अब इसको हम देखते हैं, अब ये फिट आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, अब इस पर हम ज़रा अगर गौर करें तो इसने ना, हालांकि मैंने तो इसको मार्जिन दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन ये आपस में कुछ ना कुछ इसने मार्जिन स्टिल लिया हुआ है, ठीक है। मार्जिन में यहाँ पे लिखा हुआ है डैश, लेकिन एक्चुअली में डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन उसने पकड़ा हुआ है, 3-4 पिक्सल का मार्जिन पकड़ा हुआ है। तो मेरे पास दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उस मार्जिन को मैं ऐड कर लूँ पेरेंट के अंदर, काउंट में ले लूँ उसको, या तो मैं उसको ज़ीरो कर दूँ, ठीक है। अब मेरे लिए इसको मेजर करना मुश्किल है कि ये कितने पिक्सल है, क्योंकि यह कंप्यूटर में दिखाई नहीं रही है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँ, मार्जिन को ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, मार्जिन 0 पिक्सल। तो अब ये बॉक्स क्या होंगे, आपस में चपक जाएंगे सारे। अच्छा, मैं चपकाना भी नहीं चाहता लेकिन फ़िलहाल, लेकिन देखते हैं ज़रा कि ये नहीं आ रहा भाई ये तो। तीन तीन छः तीन नौ, दो दो चार दो छः, 906, सही तो है यार, सब कुछ सही है, बस ये आपस में चपक क्यों नहीं रही है? नहीं, पैडिंग तो दीवारों के साथ होती है, पैडिंग तो देखो पेरेंट की पैडिंग इधर है, इधर लगी होती है, पेरेंट की जो पैडिंग है ना वो इधर लगी हुई होती है। अवेल, ये वाला गैप अभी भी मौजूद है, हालांकि मैंने इसकी मार्जिन को मैंने ज़ीरो कर दिया है, ये जो छोटे डब्बे हैं इनका मार्जिन जो है उसको मैंने ज़ीरो कर दिया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप इसके दरमियान में आ रहा है। इसको गूगल कर लेते हैं अलग से कि वाई देयर आर हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन टू पैराग्राफ्स। मेरे नहीं ख्याल, अभी वो भी पता लग जाएगा, गूगल कर रहे हैं, अगर हुआ तो पता लग जाएगा। हाँ नहीं, वो तो 906 बढ़ाना पड़ेगा, असल में वो 906 से बढ़ाऊंगा ना जब मैं, अच्छा ये इसने बात पूछी है ना बंदे ने कि रिमूव स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, कह रहा मैंने भाई मार्जिन भी ज़ीरो कर दिया, पैडिंग भी ज़ीरो कर दिया, सब ज़ीरो कर दिया मैंने, यही हमने भी किया, कह रहा फिर भी स्पेस आ रहा है, ठीक है आ जाते हैं अब। आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर दिस,
अच्छा ये कह रहा है भाई आपको नेगेटिव में देना पड़ेगा। मार्जिन टॉप 0 पिक्सल। नहीं जो काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। अच्छा किसी ने ये भी बोला है कि आप ना एक तो मार्जिन दो अब और एक मार्जिन राइट को 0 करो आप। नहीं भाई ये वाला स्पेस ख़त्म नहीं हो रहा, ये पता नहीं कौन सा स्पेस है। अच्छा एक तो बॉडी में भी ना जो आप कह रहे हैं ना पेज का जो साइज़ है या बॉडी का जो साइज़ है, एक तो देखें बॉडी पे जब मैं हाथ रखता हूँ तो बॉडी में भी कुछ ना कुछ मार्जिन है, 8 पिक्सल का मार्जिन है बॉडी के ऊपर, यानी बॉडी कभी भी अपने दीवारों के साथ नहीं चिपकेगा, 8 पिक्सल दूर रहेगा। तो मैं इसका भी मैं चाहूँ तो ख़त्म कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पर बॉडी और मैं लिख दूँगा कि भाई मार्जिन और 0 पिक्सल, तो वो बॉडी का मार्जिन ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया बॉडी का मार्जिन। सही है, अब आप देखें बॉडी को अगर मैं ऐसे चेक करता हूँ ना इंस्पेक्शन पे, तो कोई मार्जिन नहीं है बॉडी में। ठीक है, कुछ लोग ये करते हैं बॉडी की जगह स्टेरिक लगा देते हैं, इस पर स्टेरिक लगा के हर चीज़ का ही मार्जिन 0 करा देते हैं। ठीक है, तो स्टेरिक भी कर दिया मैंने लेकिन ये मार्जिन नहीं है, ये पता नहीं क्या है। अच्छा किसी ने बोला हुआ है इंटरनेट पर ही कि जो है ना आप क्या करो इसका जो है ना वो चेंज करो आप, यानी नेगेटिव में दे दो आप इसको मार्जिन। नहीं नहीं विड्थ और हाइट तो कम करूँगा मैं, ये देखो ना नेगेटिव मैंने दिया 3 पिक्सल तो ये सही हो गया, नेगेटिव 4 पिक्सल मुझे ना मार्जिन देना पड़ा है इसको। ठीक है, नेगेटिव 4 पिक्सल मैंने मार्जिन दिया है, बल्कि 5 पिक्सल, तो अब जाके ये सेट हो गया। वेल तो हमें इससे पता ये चला, ये तो चलो मार्जिन का कोई इशू है, ये कोई नेटिव प्रॉब्लम है, इसको साइड पे करके हमें ये समझ आया कि हमारा जो एक्चुअल बॉक्स होगा ना वो कितना बड़ा होगा, वो बॉर्डर को और उसके मार्जिन को मिला के होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर अब मैं करना चाहता हूँ कि इसका बॉर्डर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, सही है, मार्जिन क्या था इसका, मार्जिन -5 पिक्सल था ना, मार्जिन राइट था, हाँ -5 पिक्सल, यस ये तो सेट हो गया। अच्छा अगर मैं इसका बढ़ाता हूँ बॉर्डर मेरा क्या था 1 पिक्सल था, अब मैं इसका बॉर्डर अगर बढ़ाता हूँ तो अल्टीमेटली फिर भी क्या होगा, ओवरऑल बॉक्स भी बढ़ेगा। हालांकि मैं बॉक्स का साइज़ अभी भी 300 पिक्सल बाई 300 पिक्सल है, लेकिन अगर मैं इसका ये उठा के 5 पिक्सल कर दूँ बॉर्डर, तो बॉर्डर 5 पिक्सल क्या हो रहा है इस 300 में एडअप हो रहा है, यानी अब मेरा बॉक्स जो है वो 305 5 पिक्सल इधर और 5 पिक्सल इधर, बॉर्डर दोनों तरफ आ रहा है ना, तो 5 पिक्सल इधर 5 इधर, तो 310 पिक्सल का मेरा एक बॉक्स है अब, और उसकी वजह से क्या होगा ये दोबारा दो लाइनों में आ जाएगा। अच्छा 310 पिक्सल करके तीन मेरे बॉक्सेस हैं तो कितने बन गए ये 930, अब मैं इसको 930 करूँगा तो ये फिर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पेरेंट में 930 पिक्सल आ रहा है, हालांकि 300 पिक्सल का बॉक्स है 900 आना चाहिए लेकिन 930 आ रहा है। नहीं वो कुछ इसमें कोई बिल्ट इन प्रॉब्लम है, मैंने एक तरफ ना मार्जिन इसका दिया है, अगर मैं देखो ये माइनस में नहीं दे रहा हूँ ना तो ये चपक नहीं रहा था साथ में, मार्जिन 0 करने के बावजूद चपक, यार इसको पैराग्राफ ही हटा देते हैं, मुझे लग रहा है पैराग्राफ का इशू है ये, इस तीनों को मैं डिव कर देता हूँ ना, पैराग्राफ को छोड़ देते हैं, ये पैराग्राफ का कोई जो है ना पैदाइशी मसला है। ठीक है, डिव कर दिया इसको मैंने। और मैंने बोला भाई पेरेंट, और मैंने कहा कि भाई पेरेंट के अंदर जो डिव है, ऐसे करके मैंने बोल दिया, एक ही बात हो गई। सही है, नहीं यार ये तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ये नहीं यार वैसे माइनस वाला होना नहीं चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए।
ऐसा तो नहीं है मैंने इनलाइन ब्लॉक किया इसकी वजह से हो रहा है, अगर उसको प्योर इनलाइन कर दें हम तो फिर प्योर इनलाइन करना तो बिल्कुल ही छोटा हो गया सही, वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है इस पर देखो अभी ना, मतलब वो भी काम नहीं कर रहा, वेर थाइट हालांकि मैंने दिया हुआ है लेकिन वो पूरा ही छोटा हो गया ना, तो डिस्प्ले के अंदर और हाँ नहीं अपना कंटेंट पे टाइट हो गया वो। अच्छा मेरे पास जो है वो ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन फ्लेक्स भी कर सकते हैं हम इसको। वैसे तो अब हमारा जो नया वाला माल है वो डिस्प्ले फ्लेक्स है ना अब तो, जो हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है, तो इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर सकते हैं ठीक है। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है, ज़रा ये डिस्प्ले फ्लेक्स ना अपने चिल्ड्रन को छेड़छाड़ कर देता है चिल्ड्रन के साथ। वेल अभी इसके मज़ीद कोई चिल्ड्रन तो है नहीं ना, चलो खैर हो गई। अच्छा वो डिस्प्ले फ्लेक्स सिर्फ चिल्ड्रन के साथ करता है, इटसेल्फ इसको कुछ नहीं करता, तो ये है अभी भी ब्लॉक ही है इटसेल्फ ठीक है। अगर इसको मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स इसके पेरेंट को देना पड़ेगा ठीक है, नया वाला तो हम बहरहाल इनलाइन ब्लॉक और ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं और वो सारा काम खुद से होता है ठीक है। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया इसके पेरेंट को, तो उसमें ये मसला आया ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस ठीक है, वो माइनस फाइव वाला मसला ही नहीं है इसमें ठीक है। ये इनलाइन ब्लॉक में था, इनलाइन ब्लॉक की वजह से हो रहा था ये ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया है, 930 पिक्सल का पेरेंट है और 300 पिक्सल का मेरा बॉक्स है और 5 पिक्सल उसके अंदर लगा हुआ है मेरे पास बॉर्डर, और देखो पूरा बिल्कुल फिट आ रहा है अपने पेरेंट के अंदर ये ठीक है। मैं वो बॉडी का भी वापस ले आता हूँ क्योंकि बॉडी ज़रा ना वो अब दिख नहीं रही है मुझे, वो बिल्कुल ही चपक गया ना दीवार से, वो दिख रहा नहीं था ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक में आ गई थी, इनलाइन ब्लॉक में आ गई थी। इनलाइन ब्लॉक तो वैसे हम यूज़ नहीं करते ना, जो डिस्प्ले फ्लेक्स हमने पढ़ लिया ना, मैं यही तो बता रहा हूँ पहले ये इनलाइन ब्लॉक वगैरह पढ़ के फिर हम फ्लेक्स की तरफ जाते थे, लेकिन आपको मैंने फ्लेक्स बॉक्स पहले पढ़ा दिया तो आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा बहुत आराम से, इसमें कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो बॉक्सेस है ना इनके दरमियान में ज़रा कुछ फासला भी हो, तो ये फिर अपने पेरेंट से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये बॉक्स मेरे पास है 300 पिक्सल का बॉक्स है, 5 पिक्सल का इस पर क्या है बॉर्डर है ठीक है। तो विर्थ अगर मैं देखूं तो 300 पिक्सल का बॉक्स, लेफ्ट पे बॉर्डर 5 पिक्सल, राइट पे बॉर्डर 5 पिक्सल, तो टोटल 310 इसकी विर्थ बनती है एक बॉक्स की मेरे। अब मैं बोलता हूँ कि यार मार्जिन भी ना मुझे चाहिए 5 पिक्सल मार्जिन भी चाहिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा बॉक्स बाहर आ जाएगा। अच्छा ये बॉक्सेस छोटे हो गए ना, ये बॉक्सेस छोटे इस वजह से हो गए क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स में हमने देखा है कि फ्लेक्स जो जिस पेरेंट को करते थे उसमें ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि अपने बच्चों को अल्टर कर सकता है वो, तो इसलिए उसने अपने बच्चों को अल्टर करके ना ज़रा अवेलेबल स्पेस को फिल करा दिया, फील नहीं होने दिया हमें वो वाला ठीक है। वेल तो बात ये समझानी थी टोटल कि भाई ये मार्जिन और पैडिंग और बॉर्डर ये तीनों मिल के बनता है बॉक्स, तो जब हम ये वाली विर्थ बता रहे होते हैं ना, ये हम बता रहे होते हैं सबसे अंदर वाले एक्चुअल बॉक्स की विर्थ बता रहे होते हैं, इसमें ऐडअप होगा जितना भी मार्जिन होगा, इसमें ऐडअप होगा जितना भी बॉर्डर होगा, इसमें ऐडअप होगा जितनी भी पैडिंग होगी, ये सब इसमें ऐडअप होगा और अल्टीमेटली 310 या 320 पिक्सल का बॉक्स बनेगा मेरा ठीक है जी। तो ये बात समझ आ गई, हमारा बॉक्स मॉडल यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अच्छा इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जी आप अगर बगैर पैडिंग के होगा तो इस तरह दिखेगा, बगैर बॉर्डर के होगा तो इस तरह दिखेगा ठीक है। वापस हम ऊपर आ जाते हैं जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी। अच्छा अच्छा जी, तो इस चैप्टर में ना हम बस ये एक हेडिंग पढ़ के ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। बॉक्स का डायमेंशन, विड्थ और हाइट ये हमने लगाना सीख लिया, किसी भी बॉक्स पे चाहे वो डिव हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो इमेज हो, उसके ऊपर मैं हाइट पिक्सल में डिफ़ाइन कर सकता हूँ, विड्थ पिक्सल में डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अच्छा अगेन जहाँ पे भी बात आ रही है पिक्सल में किसी चीज़ को बताने की, तो इसका मतलब है कि सिर्फ पिक्सल में नहीं आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है पिक्सल में भी बता सकते हैं आप, परसेंटेज में भी बता सकते हैं आप, और ईएम या आरईएम में भी बता सकते हैं। जो जो अवेलेबल ऑप्शंस है ना आपके पास साइज़ बताने के, वो सारे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह देखें जैसे बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे हेक्स कोड इसने लगाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हेक्स कोड ही लगेगा यहाँ, यहाँ कलर के तीन तरीके शुरू में बता चुका है, वो तीनों चारों पाँचों तरीके इस पर लगेंगे जी।
वैल्यू ऐसे तो नहीं है कि फिक्स हो गए, मतलब पी एक्स और आर ई एम और ई एम ये तीनों चीज़ें जो है वो सेम उसके लिए लगा सकते हैं, या कोई चीज़ इस तरह फिक्स होती है कि भाई इसके इसके ऊपर ही पिक्सल लगाना है, इसके ऊपर ही परसेंटेज लगाना है, इससे अलावा दूसरी चीज़ के ऊपर हम परसेंटेज नहीं लगाना। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, अगेन ये हमने डिस्कस की थी बात पहले कि यार हम कहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे, कहाँ पे पिक्सल लगाएंगे और कहाँ पे हम ईएम लगाएंगे। अच्छा जो नई वाली वेबसाइट है ना ज़्यादातर उसमें तो हर चीज़ ही ईएम में लिखते हैं, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, अगर अब ईएम का चक्कर क्या है कि जो भी फॉन्ट है जो इस्तेमाल हो रहा है उस डब्बे के अंदर उसका एक एम जो है वो ना एक ईएम के बराबर होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक लाइन में ना 100 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखा हुआ ना है, एग्जैक्टली 100 कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो मैं इस डब्बे की विड्थ कितनी रखूँगा, मैं 100 ईएम रखूँगा, सही है 100 ईएम हो गया ये। अब मैं चाहता हूँ कि यार चलो 100 तो कम हो जाएगा, मैं इसको कह देता हूँ 800 ईएम, ठीक है 800 ईएम ये बन गया, नहीं यार 800 ईएम ज़्यादा हो गया, एक ईएम वैसे 32 पिक्सल का होता है ना, तो मैंने कहा कि यार मैंने पहले इसको 900 का रखा था ना, 900 डिवाइड बाई 32 तो 28 अगर मैं रखूँगा ना इसका तो वो एक्चुअली 900 पिक्सल के करीब कुछ बनेगा, तो मैं 30 ईएम रख देता हूँ इसको, 30 ईएम रख दिया मैंने इसको, ये क्या चक्कर है। वेल अभी हम इसको फॉन्ट इसमें टेक्स्ट डाल के चेक करते हैं, सही है 60। असल में फ्लैक्स बॉक्स भी मैंने इसको बनाया हुआ ना, फ्लैक्स हटा देता हूँ पहले तो मैं इसका पहली फुर्सत में, और वापस से इसको क्या कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। असल में फ्लैक्स की वजह से क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जा रही है ना, तो वो फील नहीं आ रही वो वाली कि अच्छा यार इसको लगाने से हुआ क्या, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कर दे रहा है तो वो ज़रा फील आ नहीं रही है वो वाली, ठीक है ये हमने कर दिया जी इसको। हमने इसकी साइज़ क्यों क्या बताया, हमने इसको बताया कि 60 ईएम। अच्छा आर ईएम अगर लिखूंगा तो ये बॉडी से रिलेटेड हो जाएगा, अगर सिर्फ ईएम लिखूंगा तो इसी डब्बे से होगा, चलो मैं आर ईएम रख देता हूँ फिलहाल कि बॉडी का जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से 60 आर ईएम कर दिया। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या कर दूँगा मैं विड्थ को 20 आर ईएम कर दूँगा, ठीक है हाइट भी इसकी मैं 20 आर ईएम कर देता हूँ,